अनुपमा शो से निकले एक्टर पारस कल्लावत ने फाइनली बिग बॉस सीजन 18 में चल रहे अविनाश चाहत और विवेन की गेम पर दिया ऐसा बड़ा शॉकिंग रिएक्शन। चाहत पांडे के कैरेक्टर पर उठाया सवाल, विवेन और अविनाश को लेकर बोली बड़ी बात। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों विवेन देसेना, अविनाश मिश्रा और साथ ही साथ चाहत पांडे इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में बने रहने वाले कंटेस्टेंट हैं। जो सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रही हैं वो कहीं ना कहीं चाहत हैं। भले ही उनका इम्पैक्ट नेगेटिव जाए या फिर पॉजिटिव जाए, लेकिन यू कांट इग्नोर चाहत पांडे। अब पारस कल्लावत जो कि भले ही अनुपमा शो को छोड़ चुके हैं, लेकिन अब अनुपमा शो से छोड़ने के बाद अब बिग बॉस में चल रहे गेम पर रिएक्ट किया पारस ने, और पारस काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं चाहत पांडे के साथ, अविनाश मिश्रा के साथ। स्मॉल स्क्रीन पर भी काम कर चुके हैं। अविनाश मिश्रा को लेकर पारस ने कहा कि अविनाश मास्टरमाइंड है। अविनाश मिश्रा के मिश्रा का जो गेम है वो बहुत स्ट्रांग है। भले ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अविनाश मिश्रा के अंदर गौतम गुलाटी, अभिषेक या फिर असीम रियाज का कैरेक्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा बिल्कुल भी है। अविनाश जैसा है वो रियल है और रियल ही गेम खेल रहा है। चाहत पांडे को लेकर सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन दिया है पारस ने, और ये कहा कि चाहत ऐसा क्यों कर रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चाहत पांडे को जितना मैं जानता हूँ वो इस तरीके की हरकत नहीं करती थी, लेकिन ये जो एरोगेंस है, ये जो एटीट्यूड है, वो शायद उनको इंडस्ट्री ने बदल दिया है। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर को बदल देती है जब आप पे प्रेशर होता है। जब आपको इंडस्ट्री बार बार एक तरीके से ढकेलने की कोशिश करती है तो आप उसी तरह से इंसान बन जाते हो। लेकिन जब मैं चाहत पांडे के साथ शो कर रहा था तो मुझे आज भी याद है कि चाहत बहुत ही सहमी हुई और बहुत ही अच्छी लड़की थी, और अब भी चाहत का गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिग बॉस के घर में कि आखिर वो करना क्या चाहती हैं। विवेन देसेना को लेकर पारस ने कहा कि विवेन बहुत ही सीनियर एक्टर होने के साथ साथ एक ब्रिलियंट प्लेयर हैं, और मुझे लगता है कि विवेन जो है वो आखिरी तक जाएंगे। सभी लोग उनके गुड बुक्स में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि विवेन जो है वो इतने स्ट्रांग हैं कि हर कोई उनके इर्द गिर्द घूमना चाहता है। तो ये तीन वो कंटेस्टेंट हैं जिनको लेकर पारस ने साफ कर दिया कि फिलहाल के लिए इन तीन में से चाहत पांडे का कैरेक्टर अब जो है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड किया जा रहा है। चाहत कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच में ही फैंस को खो रही हैं अपने अलग और ख़राब व्यवहार के चलते। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, क्या आप भी पारस के इन बातों से सहमत हैं, या फिर आपको लगता है कि पारस सिर्फ और सिर्फ अविनाश मिश्रा का दोस्त होने के नाते वो अविनाश को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।